बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। प्रीति बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिसका डेब्यू एक नहीं दो बार हुआ। दरअसल 90 के दशक में लिटिल साबुन के विज्ञापन में आने वाली किसी भी मॉडल को बॉलीवुड में एंट्री पाना उतना काफी आसान हो जाता था। बस यही लिटिल साबुन का एड किस्मत से प्रीति जिंटा को मिला। चलिए जानते हैं प्रीति के एक साबुन एड से लेकर बॉलीवुड में एंट्री तक का सफर। छोटी उम्र में ही खो दिए माँ बाप। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। जब प्रीति जिंटा 13 साल की थी उस टाइम उनके पिता दुर्गानंद जिंटा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। पति की मौत के सदमे में प्रीति की माँ नील प्रभा भी 2 साल तक बेड पर रही। और वहीं जब प्रीति 15 साल की हुई तो उनकी माँ ने भी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यही वजह है कि आज इस मुकाम पर है। यूं मिला डिंपल गर्ल का नाम। प्रीति को पहली फिल्म मिली थी वो थी कुंदन शाह की क्या कहना, लेकिन इस फिल्म के रिलीज डेट पीछे चले जाने के चलते वो सोल्जर की शूटिंग में लग गई। और इसी बीच शेखर कपूर ने प्रीति को मणिरत्नम से मिलवा दिया जो उन दिनों फिल्म दिल से बना रहे थे। दरअसल निर्देशक मणिरत्नम को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। फिल्म के लीड रोल के लिए वो शाहरुख और मनीषा कोइराला को पहले ही साइन कर चुके थे, लेकिन सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो लोगों को दीवाना बना सके, जो काबिलियत उन्हें प्रीति जिंटा में मिली। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन लोगों की नजरें उस लड़की पर पड़ गई जिसके चेहरे पर मासूमियत टपकती थी गालों पर गड्ढे। फिर क्या, लोग प्रीति को डिंपल गर्ल बुलाने लगे। महज 2 साल में बनी सबसे महंगी एक्ट्रेस। फिर इसी साल प्रीति को बॉबी देओल के साथ फिल्म सोल्जर में मौका मिला। इस फिल्म में लोगों ने उनके काम को इतना पसंद किया कि 20 मिनट के इस एक रोल की वजह से उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड उनको ही मिला। महज 2 साल के अंदर ही प्रीति जिंटा बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। इसके बाद प्रीति ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और बड़े पर्दे पर खूब राज किया। लेकिन जब फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई तो प्रीति अचानक फिल्मों से गायब होने लगी। अंडरवर्ल्ड से अकेले लड़ी थी प्रीति जिंटा। एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था, लेकिन प्रीति जिंटा ने अंडरवर्ल्ड से लड़ने की हिम्मत दिखाई और वो भी जब उन्हें फिल्मी दुनिया में कदम रखे केवल 4 साल हुए थे। दरअसल साल 2001 में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी चोरी चोरी चुपके चुपके, लेकिन अब्बास मस्तान की इस फिल्म पर रिलीज से पहले ही पुलिस को खबर मिली थी कि इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का पैसा लगा है। लेकिन कागज पर फिल्म में मुंबई के हीरा कारोबारी भरत शाह का पैसा लगा हुआ था। फिर क्या, पुलिस ने भरत शाह को गिरफ्तार कर लिया और फिल्म के सारे प्रिंट सील कर दिए। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को जरूरत थी गवाहों की, ऐसे में प्रीति जिंटा गवाही देने के लिए अकेले गई थी, जिस वजह से उन्हें बाद में गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। 34 बच्चियों की बनी माँ। प्रीति अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि समाज सेविका भी रही। उन्होंने साल 2009 में अपने 34वें बर्थडे पर एक दो नहीं बल्कि 34 बच्चियों को ऋषिकेश के एक अनाथालय से अडॉप्ट किया था और उनकी मां बनना स्वीकार किया। 600 करोड़ रुपए की विरासत को ठुकराया। वैसे तो हर किसी के लिए पैसे का मोल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्रीति जिंटा के केस में ऐसा नहीं है। फिल्म मेकर कमाल अमरोही के बेटे शानदार अमरोही प्रीति को अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए प्रीति को उनकी विरासत के तौर पर 600 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन प्रीति ने इसे लेने से साफ मना कर दिया। प्रीति की वजह से 2 एक्ट्रेस को होना पड़ा था शर्मिंदा। साल 2016 में एक अवार्ड शो के दौरान वो भारी गलती कर गई थी। दरअसल स्टार स्क्रीन अवार्ड में प्रीति जिंटा को पुरस्कार देना था, उन्हें ये पुरस्कार सोनाक्षी सिन्हा को देना था, लेकिन गलती से वो जूनियर शॉटगन सोनम कपूर पुकारने लगी। लोग प्रीति की तरफ देख रहे थे। सोनाक्षी और सोनम दोनों इस वजह से काफी शर्मिंदा हुई। फिर स्टेज पर जाकर सोनाक्षी ने प्रीति को गलती का एहसास कराया। फिल्मों के अलावा प्रीति जिंटा का क्रिकेट से भी खास लगाव रहा है। प्रीति जिंटा का नाम युवराज सिंह, ब्रेटली और डेविड मिलर जैसे कई क्रिकेटरों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन उन्होंने शादी 2016 को जीन गुडइनफ से की थी। उस वक्त प्रीति की उम्र 41 साल की थी। तो ये प्रीति की लाइफ से जुड़े कुछ किस्से। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।